हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिम ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस टॉपिक के हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जब हम इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में है तिमाही, छमाही, नौमाही या ईयरली या वन एंड हाफ ईयरली, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं आज उनके बारे में बात करेंगे, या फिर मंथली कैसे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाना है और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 5,000 रुपये का वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर 6 माही या फिर अर्धवार्षिक है। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला कैसे जाता है। तो दोस्तों, एक बात बता दूं आपको कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, 3 माही, 6 माही, 9 माही या 1 साल, या सॉरी 1 साल नहीं बोलेंगे, 1 साल, 1.5 साल, तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे पूछा है 1 वर्ष टाइम पूछा है और यहाँ पे पूछा है 6 माही हमने निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, पहले तो हम बात करते हैं कि 6 माही में क्या होता है। 6 माही में, 6 मंथ वाले में क्या होता है, और जो आपका 1 ईयर होता है उसमें कैसे होता है। तो 6 माह में कितने क्वार्टर आते हैं आपके, दो, तीन तीन के 2 क्वार्टर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1 साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 4, तीन तीन के 3 चौके 12, 12 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, तीन तीन तीन, तो मतलब कितने क्वार्टर आ गए, 4 क्वार्टर। या फिर हम इसको जो है एक टेबल के जरिए समझ लेते हैं, जैसे कि क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली को बोलते हैं तिमाही, और ये आएगा आपका HLY, मतलब हाफ ईयरली या 6 माही भी बोल सकते हैं इसको। तो हम इसका एक टेबल बना लेंगे एक छोटा सा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा आपका टाइम, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका रेट, समय और दर। यहाँ आ जाएगा समय और यहाँ आ जाएगी आपकी दर। तो दोस्तों देखिए, क्वार्टर में क्या होगा कि क्वार्टर में 3 बनते हैं, सॉरी 4 बनते हैं, तो टाइम कितना हो जाता है हमारा, क्वार्टर में इंटू 4 हो जाएगा, और जो रेट है आपका वो क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन के लेते हैं क्योंकि इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है आपके पूरे क्वार्टर जो है निकलाएं। तो अब सेम ही आपका टाइम में क्या जाएगा, हाफ ईयरली में 2, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयरली होती हैं और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2। तो इस टेबल को आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है कितना है, 5,000 रुपये का 12% की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर क्या है, यहाँ पे 6 माही है। तो अब पहले ब्याज को कितना है, 12%। अब 6 माही में क्या है, देखिए दोस्तों, अब टाइम क्या है 6 माही में कि R/2, टू मतलब 2 क्वार्टर होते हैं 1 साल में, तो कितना आ गया, 6। तो 100 + 6 कितना हो गया, 106, 106/100। तो 100 से डिवाइड करते हैं, 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 = 0, तो कितना आ गया, 53/50। तो कितना आ जाएगा, 2 हाफ ईयरली बने, तो मतलब अब दोस्तों 2 से डिवाइड किए क्योंकि एक ईयर में जो है 2 हाफ ईयरली, 2 छमाही ही होते हैं, तो कितना बन जाएगा, 53/50 इंटू 53/50। तो 0 से 0, सॉरी 2 जीरो हैं यहाँ पे, तो जो 0 से 2 जीरो कट गई, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 5 = 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10। अब 53 को जो है मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 15 = 30, 3 बज गया, 5 × 5 = 25, 3 = 28, और बच कितना है, 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना जाएगा, 9 × 2 = 18, 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4 = 5, तो कितना बन गया दोस्तों, 5,618। तो 5,618 जो है आपका जो है चक्रवृद्धि, ये मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें से जो है हमने 5,000 जो है लेस कर देना है, तो कितना बचेगा, 618 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
50,000 रुपये का 12% की वार्षिक दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही वार्षिक दी है। दोस्तों देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैंने अभी पहले बताया आपको कि तिमाही और छमाही का भी टेबल आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट कितनी है, 50,000। अब रेट को क्या करेंगे, 12 है तो अब तिमाही में कितने होते हैं, 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 4 तीन 12, तो ये आ गया 103/100। तो इसको काट लेते हैं, ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो दोस्तों 6 महीने का पूछा है, ठीक है, 6 महीने में कितने तिमाही होते हैं, 2, तो कितना आ जाएगा, 103/100 इंटू 103/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 103 और 103 को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0, 0 से 0, तो 3 एंड 3 कितने जाएंगे, 6, 1 0 0 0 और 1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा, 10,609 इंटू, अब कितना बचा है साथ में, 5, तो 5 कर देंगे, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30 और आ गया 5, तो कितना आ जाएगा, मिश्र धन 53,045 माइनस 50,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, 3,045, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 10,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर वार्षिक हो। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को जो है किस तरह से जो है सॉल्व किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 10,000। अब देखिए 10% दर है और 2 वर्ष और 3 महीने का है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर जो है बच्चे फंस जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम 2 वर्ष का देख लेते हैं, तो 2 वर्ष का 10 का क्या हो जाएगा, 110/100, तो 0 से 0 कट गई, तो कितना गया, 11/10 इंटू 11/10, ये आ गया आपका दोस्तों किसके लिए आ गया, 2 वर्ष के लिए। अब आगे हमने निकालना है 3 महीने के लिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 महीने के लिए करेंगे हम वही फार्मूला लगा देंगे, 1+R/100, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखना है, किसी को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके जो है सब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो 1+R, तो यहाँ पे आर कितना दे रखा है, अब देखिए दोस्तों 3 महीने, अब 3 महीने कितने बन जाते हैं, 3/12, तो कितना बने, 1/4, तो 1/4 रेट आ गया इनटू कितना जाएगा, रेट कितना दे रखा है, 10, तो 10/100, तो क्या आएगा, 0 से 0 कट गई, अब कितना बच गया, तो देखिए 10 चौके 40, 40 और 1 41, 41/40 जो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये क्या आपस में कट जाएंगे। अब देखिए 2 दुनी 4, 5 दुनी 10, अब 11 11 कितने होते हैं, 121, 121 को जो है 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 एकम 1 2 और 4 6, ये आ गया 1 और 4 दुनी 8, ठीक है, 8 1 9, तो आ जाएगा, फिर आएगा 4। तो अब आगे देखिए दोस्तों, आगे कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 6 पंजे 30, 3 9 पंजे 45, 3 48, 4 6 5 चौके 20, 4 24, तो कितना आ जाएगा, 24,805। 24,805 को जो है 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि नीचे 2 भी बचे, तो सिंपली हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे इसको, तो 1 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 0, ठीक है, 4 दुनी 8, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पे 24,805, 2 से 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 0, 2 दुनी 4 पॉइंट लगा, बचा कितना यहाँ पे, 10 2 पंजे 10, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 12,000
402.5 माइनस कितना हो जाएगा 10,000, तो बचा कितना 2402.50 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके जो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16,000 रुपये का 20% की वार्षिक दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर तिमाही वार्षिक दी हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, कितना है 20, तो पहले 20 को जो है 9 महीने, देखिए तो कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में, कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में जो है 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे 4, तो 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करके कितना आ गया 5%। ठीक है, तो अब 5% तो कितना 5% बढ़ गया 105/100, तो 5 × 10 5 × 5 5 × 10 0, तो 21/20। अब कितना बोल रखा है 9 महीने का, तो 9 महीने में कितने होते हैं 3 क्वार्टर, तो कितना आ गया 16,000 × 21/20 × 21/20 × 21/20, तो 1 2 3 0, 3 0 से 3 0 कट गई। ठीक है, अब इसको भी कट जाएगा तो कितना कट जाएगा, ये 8 × 16, फिर 2 से कट जाएगा 4 × 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 × 4। दोस्तों 21 का जो क्यूब हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 3, तीन टाइम में, तो 21 का क्यूब कितना होता है, ये होता है आपका 9261 इंटू कितना 2 बचा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 6 × 12 1 2 × 4 1 5 फिर 9 × 18, तो 18,522 आ जाएगा। तो अब टोटल कितना है हमारे पास 16,000, 18,522 माइनस 16,000 तो कितना आ जाएगा 2 2 5 और 2, तो कितना आएगा 2522। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। तो दोस्तों इस तरह से 9 मंथ का भी हमने 9 महीने का भी जो है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करके देख लिया। अब आगे थोड़ा सा हम और क्वेश्चन चेंज करते हैं और देखते हैं टाइप। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि का योग या सम जो है 5 वर्षों में स्वयं 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये उसी ब्याज दर पर जो है 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको जो है आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको जस्ट ट्रिक से ही सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो है सम जो है राशि जो है 5 वर्षों में 5 सालों में जो है स्वयं 2 गुना हो जा रही है, कितना 2 गुना हो जा रही है, मतलब 5 सालों में 2 गुना हो रही है। तो पूछा क्या है कि उसी ब्याज दर पर 8 गुना, तो हमें निकालना कितना है 8 गुनी कितनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो रही है 5 में, तो अगले 5 में कितना हो जाएगी 2, फिर अगले 2 में कितनी हो जाएगी 5, तो 2 × 4 4 × 8, तो टोटल कितनी होगी यहाँ पे 15 ईयर्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है घबराने की, इसमें जो है आपने जस्ट ये ट्रिक यूज़ करनी है, इस ट्रिक से जो आपका इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था चक्रवृद्धि ब्याज का आज का टॉपिक। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने ज़रूर बताना है कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा है। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।